नई टिहरी के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इस मौके पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते इस बार कार्यक्रम को सूक्ष्म रखा गया है। प्रदेशवासियों को, पूरे टिहरी जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और नमन करना चाहता हूँ उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उनके परिवार को मैं नमन करना चाहता हूँ और विशेष करके उत्तराखंड के उन सैनिकों को, इस आज़ाद हिंदुस्तान को 1947 से लेकर अब तक, और बहुत सारे वीर सपूत, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, उस पर टिहरी जनपद के लोगों ने हमेशा बढ़ चल कर भाग लिया, अपना बलिदान दिया है। मैं उन सबको नमन करना चाहता हूँ, उनके परिवारों को नमन करना चाहता हूँ। बाजपुर के ग्राम चकनपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करोड़ों की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को सौगात दी। कार्यक्रम में ध्वजारोहण करते हुए यशपाल आर्य ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आर्य ने 2,83,00,000 रुपए की लागत से बुक्सा समुदाय के आराध्या राजा जगत देव के नाम पर सामुदायिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र और सांस्कृतिक क्रियाकलाप एवं विश्राम गृह का लोकार्पण किया। हमने यहाँ पर राजा जगत देव जी स्मृति भवन का निर्माण किया है और जिसकी लागत 1,83,00,000 है और ये धनराशि और भी बढ़ेगी। हमारा स्पष्ट मत है कि जो हमारी परंपरागत, जो हमारे कलाएं हैं, जो शिल्प कलाएं हैं, जो हस्तकला है, उसको आगे लाने की आवश्यकता है। बागेश्वर जिले में कोविड-19 के चलते इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सीमित संख्या में झंडारोहण किया। बागेश्वर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विकासखंड सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का वितरण किया गया। जिला प्रभारी मंत्री और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महालक्ष्मी किट जो है आज लाभार्थियों को वितरित की गई है। निश्चित रूप से यह किट जो है लैंगिक असमानता को खत्म करेगा। निश्चित रूप से यह किट जो है उस महिला और उस बच्ची के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उसमें उसकी आवश्यकताओं से जुड़ी सारी चीज़ें जो है उसमें रखी गई हैं। सरकार की तरफ से एक कोशिश है, एक उपहार है उस माँ को जिसने इस धरा पर जो है लक्ष्मी को पैदा किया है। तो निश्चित रूप से हम पैदा होने वाली बच्ची का हृदय की गहराइयों से और खुले भाव के साथ उसका स्वागत करें, उसी का जो है एक प्रतीक के रूप में महालक्ष्मी किट आज वितरित किया। हमने अभी 51 किटों का यहाँ पर आज वितरण हुआ है और लगातार ये वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे जैसे गर्भधात्री महिलाओं का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण होता चला जाता है, ठीक उसी तरीके से जो है उनको ये किट वितरित भी करा जाता है। राजनीति का गिरता हुआ स्तर है और मुझे लगता है कि इस पर सभी जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए और राजनीति का जो अच्छा आचरण है वो दिखाना चाहिए। 2016 का जिक्र किया जा रहा है, पुरानी बातों को 2022 को लेकर लड़ाई मानते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी जिस माध्यम से भी कहा जा रहा है उसी माध्यम से उसका जवाब जा रहा है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू के द्वारा सचिवालय में उच्च स्तरीय अधीनस्थ कार्मिकों और अन्य नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करते हुए सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। राणा ने आजादी के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सभी कर्मचारी अधिकारी अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनहित में काम करें।
मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने आज उत्तराखंड दिलाया और जिस उत्तराखंड के लिए हमने लड़ाई लड़ी। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे ब्लॉक के जो जिन्होंने इतने बड़े संघर्ष के बाद उन शहीदों ने हमको आजादी दिलाई। हमारे द्वारिकाल के बहुत सारे शहीद इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने इस टाइम पे हमको हमें इस तरह के खुली सांस में जीने का एहसास कराया। लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी तो 1857 से अगर शुरुआत करें फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं उसमें क्रांतिवीर जो रहे हमारे उन सब से जिन्होंने हमारी शुरुआत करी। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उसके बाद हमारे जितने भी लोग रहे बद्रीदत्त पांडे जी रहे, तो इन लोगों ने उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा योगदान दिया स्वतंत्रता के लिए। हम जनरली नेशनल लोगों की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे द्वारिकाल से भी लोग हैं जिनके इस पे नाम लिखे हुए हैं इस साइड पर। तो हमें जरूरी है समझना कि हम सबका एक योगदान रहा है और हम कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़े रहे हैं, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि इंडिपेंडेंस में हमारा भी एक रोल रहा है और हम उनके वो हमारे पूर्वज हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें उनकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में सभी शिक्षण संस्थानों सहित सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण धूमधाम से किया गया। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि गुरुकुल ने शिक्षक ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी भी दिए हैं। यहीं पर गांधी जी को स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा महात्मा की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। अपनी स्थापना के समय से ही एक राष्ट्रीय और शैक्षिक संस्था ऐसी रही है जिसने राष्ट्रभक्ति के संबंध में और शिक्षा के संबंध में और अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं को बढ़ाने में जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है वो अपने में इस संस्था का इतिहास है। और आज भी हम उसी एजेंडा के तहत उसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई कॉलोनियों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नगरपालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन संजय शर्मा ने कहा कि जो अपने परिवार को संयुक्त रखने में कामयाब होगा वही व्यक्ति आज सही मायनों में आज़ादी मना सकता है। इस कॉलोनी में बहुत ही अच्छे तरह से जिसमें बच्चों ने बड़ों ने और बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छा अच्छा कार्यक्रम करा है जिसमें युवाओं की तरफ से सब छतरी और डायरी पेन जो फर्स्ट और सेकंड आए हैं उन्हें सम्मानित दिया गया है। स्वतंत्रता का मायना आज छोटा सा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, चाहे सामूहिक परिवार रहते हों या इंडिविजुअल परिवार रहते हों, लेकिन सभी के यहाँ मन में एक बात रहती है कि हम लोग स्वतंत्र रहें हर चीज़ में, खान पान में, रहन सहन में। लेकिन जो कुटुंब समाज वाला एक नारा हुआ करता था जब ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी और परिवार मिलकर रहता था, उसके बहुत लाभ थे। स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ परिवार मिलजुल कर रहे, कुटुंब साहब वाली जो कहावत है पुरानी वो चारथा था होनी चाहिए। बेल परिसर के स्टेडियम में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कार्यपालक निदेशक डॉक्टर संजय गुलाटी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें निःशुल्क प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए जवानों ने अपना बलिदान दिया है। वहीं उन्होंने सभी से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। पूरे जीवन को शैली में बदल के रख दिया है और हमें ध्यान रहना है, ध्यान से रहना है, सतर्क रहना है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और उसी के मद्देनजर ये प्रोग्राम एक संक्षिप्त रूप में किया गया। बाकी लोगों को ऑनलाइन इसका एक्सेस दिया गया है ताकि लोग इस जो राष्ट्रीय पर्व है इसमें सम्मिलित हो सकें और जो कोरोना की जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसको किस तरह अवॉइड कर सकें। वैक्सीनेशन का पूरा जोर है। बीजेपी युवा मोर्चा पोखरी के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसे मुख्य अतिथि लक्ष्मी प्रसाद पंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ में 75 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वालों को क्रमशः 2100, 1500 और 1100 रुपए नगद धनराशि दी गई। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमारे इस आज जो हमने ये
कार्यक्रम किया हुआ था युवा मोर्चा द्वारा, तो इस कार्यक्रम में बहुत से युवाओं ने प्रतिभाग किया और मुझे लगता है कि क्षेत्र की पूरी जनता को हमेशा ही हर जगह ये कार्यक्रम हमेशा ही होने चाहिए, जिससे कि इस बार कोरोना काल की वजह से 2 साल से सारे लोग परेशान थे, कुछ नहीं, एक ये महोत्सव हुआ तो इसमें सारे बच्चों ने, पूरे क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ कर बहुत भाग लिया, इसलिए सभी को बधाई। काशीपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कृष्णा हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थाना आईटीआई पुलिस और युवाओं ने काफी जोश के साथ रक्तदान कर देशभक्ति का परिचय दिया। आईटीआई थाना अध्यक्ष विद्याधर जोशी ने युवाओं से आगे भी रक्तदान करने की अपील की। ये आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने, ये कृष्णा हॉस्पिटल वालों ने एक कैंप लगाया है जिसमें हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और सभी युवक जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम औरों से भी ये अपील करते हैं कि सभी लोग जो कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट करें, ये एक बहुत अच्छी पहल है और लोगों को करना चाहिए जो कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद के काम कभी भी आ सकता है। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे क्या बोल रहे हैं, हमारे छात्र संघ पदाधिकारियों ने और पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने और अन्य विभाग के कर्मचारियों ने रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान करा इमरजी से, और देश जब से आज़ाद हुआ है 75वीं वर्षगांठ बना रहा है और हमारे हम 1.5-2 सालों से हम लाइफ स्टीम एक ग्रुप नाम का रक्तदान का शिविर चला रहे हैं, जो जिसको ज़रूरतमंद लोगों को फ्री रक्तदान दिया जाता है। ये एक ऐसा काम है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है, लगातार लोगों को खून की मुहैया कराना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये एक आम आदमी का भी जिम्मेदारी है, जिससे वो जो है किसी भी कोई भी पेशेंट ऐसा ना बचे जिसको हम खून ना दे पाएँ। लगातार लोग डोनेट करते हैं ब्लड और लोगों की जान बचाते हैं, और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर कृष्णा ब्लड बैंक ने एक कैंप का ऑर्गेनाइज किया जिसमें काफ़ी सारे लोग यहां पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं लगातार। धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर सत्यों सकलाना में आर्मी पैरामिलिट्री पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सकलाना क्षेत्र में सेना में सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों और उनके माता पिता ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन्होंने अपने किसी न किसी व्यक्ति को खोया है, बेटे के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, तो उन माताओं को सम्मान मिले, और जिन्होंने अपने बेटे को, पति को पिता के रूप में जिन्होंने खोया है, उन सबको एक ऐसा सम्मान मिलना चाहिए ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ, हमारी जो शहादत है, हमारा जो बलिदान है, वो कहीं जाया नहीं गया। समाज की तरफ से उनको एक समाज की अपेक्षा रहती है, सम्मान की अपेक्षा रहती है, तो वो सम्मान करने की हमने कोशिश की है। ये एक पहला हमारा प्रयास है, यहाँ पे जो सकलाना क्षेत्र है यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन रहे हैं और अभी सेना में सबसे ज़्यादा पौड़ी के बाद सबसे ज़्यादा सहभागिता सकलाना क्षेत्र की है, और हमारे मन में, खुद भी फौजी रहा हूँ, लड़ाई भी लड़ी है, तो मेरे मन में भावना थी कि उन फौजियों का जो रिटायर आ गया है, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे फौज में हो, चाहे पैरामिलिट्री में, पुलिस हो, उनको एक मंच पर ला करके उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था जो कि बहुत सफल रहा। तकरीबन 100 लोगों को हमने सम्मानित किया, बुजुर्ग माताओं को किया जिनके पति सेना में शहीद हो गए हैं।